हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। ये एक ही साइड से बनता है और 10-10 का मल्टीप्लाई किया गया है। 10 इसमें मैंने 30 फंदे डाले हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी ये कैसे बनाया गया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये देखिए कैसे बनाना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और अब ये 4 फंदे लेंगे हम। 4 फंदे को कैसे पलटेंगे ये देखिए। बीच वाले फंदे को पीछे से लेंगे और फर्स्ट वाले फंदे को आगे की साइड से लेंगे। इस प्रकार अब इनको एक एक करके बुन लेंगे ऐसे। अब इधर से भी ये पीछे वाला फंदा जो है सेकंड वाले फंदे को आगे की साइड से लेंगे ऐसे। पहले इसको बुनेंगे और ये फर्स्ट वाले फंदे को बाद में बुनेंगे ऐसे। इस प्रकार से इनको हमें चेंज करना है। आगे 6 फंदे सिंपल बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदे सिंपल बुनने हैं, 4 फंदे डिजाइन में बुनने हैं। ये इस प्रकार से चेंज करने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक डिब्बी बनती है। आगे देखिए कैसे करेंगे। फिर से वैसे ही 4 फंदे लेंगे, ये बार बार रिपीट करनी है। ये देखिए फर्स्ट वाला फंदा पीछे गया और सेकंड वाला फंदा आगे आ गया। इधर से ऐसे चेंज करेंगे, फिर इधर से भी सेकंड वाला फंदा आगे की साइड से लेंगे और ये फर्स्ट वाला फंदा पीछे लेंगे इस प्रकार। फिर से 6 फंदे सिंपल बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे सिंपल बुने ऐसे ही। फिर से ये देखिए फर्स्ट वाले फंदे को छोड़ दे और सेकंड वाला फंदा पहले ले ले। इधर से ऐसे सिलाई में भी कर सकते हैं। अगर आप निकाल कर करें फंदे को तो निकाल कर भी कर सकते हैं। बाहर वाले फंदे अंदर जाएंगे और अंदर वाले 2 फंदे बाहर आ जाएंगे। अब फिर से 6 फंदे सिंपल बुनने ऐसे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। बॉर्डर बुनने के बाद आप इस प्रकार से डालें। अब सेकंड रो हमारी सिंपल है। ये उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है, पूरा रो इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। पूरी रो इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा। ये हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने बाहर वाला फंदा अंदर लिया था, अब अंदर वाले फंदे को हम बाहर लेंगे ऐसे। ये सेकंड वाले फंदे को आगे की साइड से पहले बुनेंगे और
इस फर्स्ट वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। ऐसे ही इधर से सेकंड वाले फंदे को पीछे की साइड से पहले बुनेंगे और इस फर्स्ट वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। ये देखिए, अब फिर सिक्स फंदे सिंपल बुने जाएंगे। सिक्स फंदे सिंपल बुने, ऐसे ही इस डिब्बी को भी सेकंड वाला फंदा आगे की साइड से पहले लेंगे और फर्स्ट वाला फंदा बाद में लेंगे। ये बाद वाला फंदा पहले ले लेंगे पीछे की साइड से और ये फर्स्ट वाला फंदा आगे की साइड से इस प्रकार से ले लेंगे। फिर सिक्स फंदे सिंपल बुनेंगे। ये सिक्स फंदे सिंपल बुने, फिर ऐसे ही आप ऐसे निकाल कर भी कर सकते हैं। टू फंदे निकाले, ये फर्स्ट वाला पीछे से ले लिया और ये सेकंड वाला आगे की साइड से इस प्रकार रखे और इनको एक एक करके ऐसे बुने। ये देखिए, इस प्रकार से इनको चेंज करना है। ये थर्ड रो पूरी इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। ये सिक्स फंदे सिंपल कंप्लीट करें। अब आगे हम रॉन्ग साइड, ये इसी प्रकार से बनाएंगे। बहुत ईजी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अब आगे हम ये फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। ये फोर फंदे जो हम डिजाइन बना रहे थे, इनको अब हम सीधा बुनेंगे। फोर फंदे ये और ये सिक्स फंदे बनाए थे, इसमें से फर्स्ट वाला फंदा इसी में सिंपल बुनेंगे। यहाँ पर अब हमारे फाइव फंदे हुए, एक ये साइड वाला है। सिक्स फंदे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर फोर फंदे देंगे। जैसे यहाँ पर हमने फोर फंदे लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी हम फोर फंदे लेंगे। अगर आपको डिब्बी बड़ा करना है तो आप यहाँ बीच में गैप के लिए टू रो डाल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बाहर वाला अंदर जाएगा और अंदर वाला बाहर आ जाएगा। ये देखिए, एक फंदा अब यहाँ पर बचा है। सिक्स फंदे थे, एक यहाँ मिला लिया इसमें और एक मिला लिया इधर, तो फोर फंदों पर ये डिजाइन बन गए। अब ये फंदा हम इधर मिलाएंगे तो सिक्स फंदे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब सिक्स फंदे यहाँ पर चलेंगे। अब ये देखिए, ऐसे ही यहाँ पर फोर फंदों पर ये डिजाइन बनाएंगे ऐसे। टू फंदे बुने और टू फंदे इधर से बुनेंगे, ये आगे की साइड से। ये देखिए, अब सिक्स फंदे सिंपल बुनेंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर से ऐसे ही बाहर का फंदा अंदर जाएगा और अंदर वाला बाहर आ जाएगा ऐसे।
बाहर वाला फंदा अंदर आएगा और अंदर वाला फंदा बाहर चला जाएगा। ये देखिए, इसी प्रकार से फिर से रॉन्ग साइड सिंपल बुननी है। ये पूरी रो हम सिंपल कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान है, बस 4-4 रो डालनी है और यही रो बार बार आपको रिपीट करनी है। उसी से ये डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको गैप डालना है तो आप 4-2 रो बीच में या 4 रो बीच में डाल सकते हैं। एक डिब्बी पूरी होने के बाद डालिए, उससे आपके डिजाइन में गैप आ जाएगा। ये बगैर गैप के हमने बनाया है, इस प्रकार से बगैर गैप के आएगा। देखिए कितना सुंदर लगा है। अब ये आगे इसी प्रकार से फिर बुनना है। ये 6 फंदे सिंपल बुनने हैं। ये अंदर वाला फंदा बाहर आएगा ऐसी, और ये बाहर वाला अंदर जाएगा। ये देखिए, ये 6 फंदे सिंपल बुनेंगे। इसको आगे से लेंगे और इसको पीछे से। ये फर्स्ट फंदा छोड़ देंगे, सेकंड वाला फंदा बाहर ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे आगे आप बनाएंगे। ये देखिए, आगे ये डिब्बी डालेंगे तो आप यहाँ पर ये 4 फंदों पर डालना और यहाँ पर 4 फंदों पर डालना। ये फंदे आप यहाँ 6 फंदे सिंपल रखेंगे और इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।